बुलंदशहर से बड़ी खबर। सर्व समाज के गणमान्य लोगों एवं व्यापारियों के साथ डीएम एसएसपी ने की बैठक। व्यापारियों ने नगर में ट्रैफिक जाम और साफ सफाई समेत कई क्षेत्रीय मुद्दे डीएम एसएसपी के सामने उठाए। डीएम सीपी सिंह ने जिम्मेदारों को धार्मिक स्थलों और कॉलोनियों में साफ सफाई के दिए निर्देश। दोनों अधिकारियों ने आगामी त्यौहार और सौहार्द पूर्णवा आपसी भाईचारे से मनाने की अपील की। विद्युत व्यवस्था व नगर पालिका द्वारा दी जाने वाली व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम सीओ समेत तहसील स्तर के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। आगामी त्यौहारों के मद्देनजर खुर्जा नगर कोतवाली परिसर में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक। बुलंदशहर से इकराम खान की रिपोर्ट देखिए। मोटरसाइकिल जुगाड़ेगा, दो लोग आएंगे, हिम्मत बांधेंगे कि तुम चीना मोटरसाइकिल चलाएंगे, उसमें गिर जाएगा, पुलिस पीछे पड़ेगी। 10 चीज होती है साइबर क्राइम, उसके बनिस्पत बहुत आसान है। घर बैठे बैठे एक फोन किए, ना आप सामने वाले को देख रहे हैं, ना सामने वाला आपको देख रहा है, और वो वहीं से बैठे बैठे क्राइम कर दे रहा है। उसका फोन नंबर है बंगाल का, उसका अकाउंट है बिहार का, जिस अकाउंट में आप जिसमें जो आधार कार्ड उसमें लगा रहा है वो पता चला झारखंड का है, तो बिल्कुल छितराया हुआ क्राइम रहता है। तो इसीलिए ये बहुत ही लो रिस्क और हाई प्रॉफिट क्राइम हो जाता है, इसीलिए बिल्कुल बढ़ रहा है। अभी आपने जो बात कही कि जब घटना होने से पहले की जो व्यवस्था है, घटना होने से पहले की ये व्यवस्था की गई है कि हर थाने पे एक साइबर सेल बनाया गया है। आप आए होंगे तो यहाँ पे साइबर सेल में ही आपको भेजा गया होगा। जरा हट जाओ सामने से। साइबर सेल में भेजा गया होगा, उन्होंने अंकित किया होगा आपकी सारी डिटेल्स। नहीं, कुछ नहीं किया। वो भी नहीं है क्यों भाई इंस्पेक्टर साहब? हाँ, परसों की बात है। हाँ, परसों की ही बात है। परसों आया था, मैंने कहा जब कोई घटना घटी है तब ये काम करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। ये तीन बार कॉल आ चुकी है मेरे पास। क्यों इनको साइबर सेल में, आप यहाँ नया साइबर सेल बनवाए हैं, उसमें क्यों नहीं इनका इंद्राज कराया गया जब इनको फ्रॉड कॉल आ रहा है? तो मुझे कंप्यूटर रूम में भेज दिया गया, वहाँ एक सज्जन बैठे हुए थे। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ में तीसरी बार ये कॉल आई है, जब घटना घटी आएगी उसके बाद। नहीं, आप मिले किससे? ये कंप्यूटर रूम में भेज दिया मुझे, तो नहीं साइबर सेल में आया। नहीं तो यहाँ कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर नहीं थे? नहीं नहीं वो नहीं थे। क्यों भाई ये क्यों हो रहा है? जब ये व्यवस्था बनाई गई है तो आप लोग उसको भंग करने में क्यों लगे हुए? आप अभी चले जाइए, अभी आपको इंदराज करवा दिया जाएगा। और कोई भी हो, ऐसा कहीं किसी के साथ हो, तो 1930 है नंबर, सरकार केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया, आप उस पर फोन कर देंगे तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको कहीं आने जाने की नहीं जरूरत है। और दूसरी जो व्यवस्था है वो एनसीआरपी करके एक वेबसाइट है, जो लोग मोबाइल चला लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, उनके लिए वो उसमें इंदराज करा सकते हैं अपनी जानकारी। दो चीज़ें अब तुरंत होती हैं। अगर आपका पैसा चला गया है तो जिस अकाउंट में गया है, पहले उस पूरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता था, अब ये कर दिया जा रहा है कि उतना अमाउंट को लियन कर दिया जा रहा है। मान लीजिए आपसे 15,000 डलवा लिया तो उसका पूरा अकाउंट नहीं ब्लॉक होगा, बट वो 15,000 रुपए उस अकाउंट में रोक दिए जाएंगे, जब तक कि उसकी पूरी जानकारी ना हो जाए और ये पता चल जाए कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, तो वापस हो जाएगा। सर, आज पीस कमेटी की बैठक बैठाई गई है खुर्जा नगर कोतवाली में, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं और किन मुद्दों पर चर्चा की गई? देखिए, खुर्जा बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा नगर है, यहाँ पीस कमेटी की बैठक हुई है। हम और एसएसपी साहब और जितने भी शहर के मौजूद लोग हैं, सब लोग यहाँ बैठे थे। साफ सफाई अच्छी हो, बिजली समय से आए, रमज़ान का महीना हो रहा है, होली का त्यौहार है, इसके अलावा गुड फ्राइडे भी है, तो सभी जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वहाँ खूब अच्छी साफ सफाई हो, 24 घंटे बिजली रहे। हमने कहा है रात में भी सफाई कराई जाए जितने भी कमर्शियल मार्केट हैं, और जो नागरिक है उसे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अच्छे से अच्छा मिले। इसके अलावा अगले महीने वोट भी पड़ेंगे, तो कोई किसी छोटे मोटे विवाद में ना पड़े। अगर किसी को कोई समस्या है हमको बता सकते हैं, एसएसपी साहब को बता सकते हैं। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज और कल यानी शनिवार को रविवार को सभी बूथों पर वोटर लिस्ट पढ़ी जा रही है। 23 जनवरी को वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन हुआ है। मैं आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करूँगा कि जा करके अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर लें। यदि किसी कारणवश उनका नाम कट गया है या कोई गलती है तो उसको फार्म 6 या 8 भर करके सुधरवा लें। आखिरी मौका है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद फिर वोटर लिस्ट में कोई सुधार हो नहीं सकता है। इसलिए 2 दिन उनके बूथों पर वोटर लिस्ट पढ़ी जा रही है। आपके माध्यम से अनुरोध है सारे नागरिक जा करके उसको देख लें। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग भी स्वयं अपना नाम देख लें, नहीं तो जिस दिन मतदान होगा फिर आप कहेंगे कि साहब मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और हम लोग भाईचारे से, आपसी सौहार्द से मिलजुल करके सभी त्यौहार मनाएं, एक दूसरे के त्यौहार के प्रतिभागी बने,
उनके उसमें सुख दुख के साथी बने, यही हम लोगों का आप लोग यहाँ के लोगों से अनुरोध है और यहाँ के लोगों ने हम लोगों को आश्वस्त भी किया है कि हम लोग भाईचारे से रहेंगे और अच्छे से अच्छा त्यौहार मनाएंगे। सर, व्यापारियों ने भी क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की है, समस्याएं बताइए, उन्हें क्या आश्वासन दिया? देखिए, व्यापारियों की जो मुद्दा है उस पर ऑलरेडी SSP साहब ने कार्रवाई कर रखी है और आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। साइबर क्राइम का इशू था, उस पर SSP साहब ने बहुत ही साधारण शब्दों में समझाया है कि कैसे आपको केवल अपनी शिकायत दर्ज करा देनी है और हमारे यहाँ SSP साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रतिदिन लोगों के वापस हो रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे लोग क्राइम करते हैं, कोई 10 हज़ार रुपये ले लिया, कोई 20 हज़ार रुपये ले लिया साइबर क्राइम में, तो लोगों के पैसे भी वापस हो रहे हैं। सरकार ने भी ऐसी व्यवस्था की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि लोग जागरूक बने, अपना OTP किसी को ना दें, कोई फ्रॉड कॉल आ रही है तो तत्काल विश्वास ना कर लें और जितना जागरूक होते जाएंगे उतना इस साइबर क्राइम के अपराध पर रोक लग जाएगी।